हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। यहाँ देखिए, बहुत बड़ी भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। टोटल 600 से अधिक पदों पर भर्ती जारी हुआ है। वे कौन से पद हैं, किस विभाग से हैं, तो इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही चुका है कि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की भर्ती शुरू। कुल पद हैं 292 प्लस 155 प्लस 174, यानी कि तीनों को मिलाकर 621 पद के लिए यहाँ पर वैकेंसी जारी हुआ है। ऑनलाइन आवेदन आज ही कर दो। देखिए यहाँ पर योग्यता क्या होगी, सिलेबस क्या होगी, पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि क्या होगी, एग्ज़ाम कब होगा, ये सब इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही अपडेट पाने के लिए। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से पद है और किस तिथि को आवेदन करना है। तो जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर कार्यालय विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड सरगुजा अंबिकापुर से है। देखिए यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत संभाग एवं जिला संवर्ग के चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए एक वैकेंसी जारी किया गया 2022 में। देखिए ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है 29/3/2022 को मंगलवार से, यानी कि 29 मार्च 2022 से आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि स्टार्ट हो चुकी है। और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पर 20 अप्रैल 2022 को दिया गया है। इसके बाद आवेदन करने की जो त्रुटि सुधार करने की बात करें तो यहाँ पर 21/4/2022 यानी कि 21 अप्रैल से प्रारंभ होगा जो त्रुटि सुधार है, और 23/4/2022 यानी कि 23 अप्रैल 2022 को इसकी लास्ट तिथि होगी त्रुटि सुधार के लिए। इसके बाद आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पर सामान्य वर्ग के लिए 250 रुपये है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपये है। देखिए यहाँ पर और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग जन के लिए 150 रुपये है, मात्र 150। जिला संवर्ग की चतुर्थ श्रेणी के पद के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पर जिले के नाम भी दिया गया है, सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर, जसपुर, बलरामपुर। देखिए यहाँ पर सरगुजा से टोटल 55 है, कोरिया से 5 पोस्ट है योग टोटल, और सूरजपुर से 63 है। इसके बाद देखिए जसपुर से 84 और बलरामपुर से 85 है, यानी कि टोटल यहाँ पर दिया गया है। और देखिए यहाँ पर वार्ड बॉय, वार्ड आया, ओटी अटेंडेड, ओपीटी अटेंडेड, भृत्य, चौकीदार, स्वीपर, धोबी, कुकी, मतलब बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आई है और बहुत सारे पद हैं। इसके बारे में देखिए महत्वपूर्ण जानकारी बता देना चाहता हूँ कि पात्रता के हिसाब आवेदन हेतु पात्रता के संबंध में विभागीय नियम देखें तो देखिए यहाँ पर मात्र आवेदन पत्र प्रेषित करना अभ्यर्थी को पात्र नहीं बनाता। ऑनलाइन आवेदन करने की जो विधि है देखिए यहाँ पर जानकारी बोर्ड की वेबसाइट के लिंक पर उपलब्ध है, फाइल आप जाके देख सकते हैं। इसके ऑनलाइन आवेदन करने की त्रुटि के सुधार के बारे में आप सभी को बता दिया हूँ। इसके बाद में देखते हैं कि देखें यहाँ पर देख सकते हैं कि अभ्यर्थी अपने आवेदन से आवेदन के पूर्व ही कई प्रविष्टियों को सुधार कर सकता है। त्रुटि हेतु सुधार के लिए अभ्यर्थी को 50 रुपये का शुल्क ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी आवेदन भरने के तथा आवेदन शुल्क जमा करने के उपरांत कैटेगरी में सुधार भी कर सकता है। अब देखिए इसके बाद देखेंगे कि एक और भर्ती है, कार्यालय विशिष्ट कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड सरगुजा से है ये भी, लेकिन यहाँ पर देखिए विशिष्ट कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के हिसाब से। देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत संभाग संवर्ग की तृतीय श्रेणी के पदों के लिए, पहले मैं जो बताया था आवेदन करने की चतुर्थ श्रेणी के लिए था, ये अब तृतीय श्रेणी के लिए है। तृतीय श्रेणी के जिला एवं संवर्ग तृतीय श्रेणी के पदों पर भर्ती है तो एक परीक्षा यहाँ पर एक ऑनलाइन आवेदन जारी किया गया है, एक और वैकेंसी है। देखिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है 29/3/2022 को है, और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि 20 अप्रैल 2022 को है। इसके बाद त्रुटि सुधार की बात करें तो 21 अप्रैल 2022 से 23 अप्रैल 2022 तक दिया गया है, और प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि 10/5/2022 यानी कि यहाँ पर 10/5/2022 को। उसके बाद परीक्षा की तिथि संभावित दिया गया 22/5/2022, ठीक है। इसके बाद परीक्षा केंद्र की बात करें तो सरगुजा संभाग जिला मुख्यालय से परीक्षा का समय आप देख सकते हैं कि 10 बजे से 12:15 तक है। देखिए यहाँ पर पूरी जानकारी बता देता हूँ कि परीक्षा के केंद्र यहाँ पर स्पष्ट दिया गया है, और परीक्षा का समय भी स्पष्ट बताया गया है कि 10 बजे से 12:15 तक और दोपहर 2 बजे से 4:15 तक। अब आवेदन की जो परीक्षा शुल्क है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सामान्य वर्ग के लिए 350 रुपये है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 250 रुपये है, और अनुसूचित जनजाति दिव्यांग के लिए 200 रुपये।
सरगुजा संभाग के तृतीय पद के बारे में बात करें तो स्टाफ देखिए आप नर्स देख सकते हैं यहाँ पर कि स्टाफ नर्स के लिए 101, रेडियोग्राफर के लिए 6 और नेत्र सहायक अधिकारी के लिए 67 पोस्ट है। जिला संवर्ग तृतीय श्रेणी के पद के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जिले का नाम सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर, जसपुर, बलरामपुर है। यहाँ पर देखिए टोटल 155 पोस्ट के लिए जारी किया गया है, टोटल 155 के लिए। देखिए सरगुजा से 3 है, कोरिया से 27 है, सूरजपुर से 33, जसपुर से 60, बलरामपुर से 32, यानी कि टोटल इन सभी को 5 जिले से मिलाकर 155 पोस्ट जारी हुआ है। यानी कि बात कहें तो यहाँ पर तीन तीन वैकेंसी जारी हुआ है, लेकिन टोटल यहाँ पर 261 पद के लिए है ना, 200 यहाँ पर बहुत सारे सॉरी यहाँ पर मैं गलती से बोल दिया, 621 पदों के लिए टोटल यहाँ पर 621 पदों के लिए एक वैकेंसी जारी किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए पद का नाम भी दिया गया है, तृतीय श्रेणी के पद के लिए ट्रेसर ग्रेड है, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष के लिए, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के लिए है। यहाँ पर तृतीय श्रेणी के लिए भी पद दिया गया है और नीचे हम देख सकते हैं दूसरा कॉलम में चतुर्थ श्रेणी के पद के लिए भी दिया गया है। कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेसर ग्रेड के लिए 20, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष के लिए 2 पोस्ट है और यहाँ पर महिला के लिए 5 है। ऐसी ही बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पर जारी किया गया है। इसके बाद देखेंगे शैक्षणिक अर्हता की, तृतीय श्रेणी के पदों के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष तृतीय श्रेणी के लिए देखिए यहाँ पर 10वीं 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है और 1 वर्ष डिप्लोमा या समकक्ष है ना। इसके बाद बात करें तो कौशल में पंजीकृत होना आवश्यक है पैरामेडिकल में। दूसरा ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला तृतीय श्रेणी के लिए 10वीं 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 18 माह या 24 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ नर्सिंग कौंसलिंग से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। ट्रेसर ग्रेड 1 की तृतीय श्रेणी की बात करें तो विज्ञान विषय में 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके बाद पैरामेडिकल उत्तीर्ण होना आवश्यक है। छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल कौंसलिंग में 63 के रूप में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। चतुर्थ श्रेणी की बात करें तो यहाँ पर शैक्षणिक अर्थ भी मांगा गया है सेम है ना। वित्तीय पदों के लिए आप जानते हैं कि चौकीदार के लिए 8वीं 5वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। वेबसाइट आप देख सकते हैं यहाँ पर 63 ग्रेड के लिए दिया गया है। तो तृतीय श्रेणी के लिए यहाँ पर वेतनमान की बात करें तो यहाँ पर ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष तृतीय श्रेणी के लिए वेतनमान 22,400 रुपये से 71,200 रुपये तक लेवल 5 है ना। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के तृतीय श्रेणी के बारे में बात करें तो वेतनमान इसका 22,400 रुपये से 71,200 रुपये लेवल की बात करें तो 5 है। चतुर्थ श्रेणी के लिए आप बात करें तो वृद्ध चतुर्थ श्रेणी के लिए वेतनमान है 15,600 रुपये से 49,400 रुपये तक लेवल पहला है। अब फ्रेशर ग्रेड 1 की तृतीय श्रेणी के वेतनमान की बात करें तो 19,500 रुपये लेकर 62,000 है लेवल इसका चतुर्थ श्रेणी के लिए है ना। तो यहाँ पर इस तरह के वैकेंसी जारी किया गया था। देख सकते हैं कि यहाँ पर अब बहुत सारी वैकेंसियाँ जारी किया गया है ना। तो कुल यहाँ पर पद दिए गए 292 प्लस 155 प्लस 174 यानी कि टोटल 621 पदों के लिए वैकेंसी जारी किए गए तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की भर्ती के लिए। ऑनलाइन आवेदन जल्दी ही कर दीजिए, यहाँ पर योग्यता सिलेबस में आप सभी को बता दिया हूँ। अगर कुछ यहाँ पर डाउट होगा तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।